वाला अगली फेरी गर्मी खेल जाऊ इस्लामाबाद भी मरे भी पक्का वादा तो सर ठीक थी आओ फिर अगले चक्कर इस्लामाबाद घुमा सा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। तो इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। दोस्तों आज हम जा रहे हैं घर वापस। हम आए थे यहाँ पर इस्लामाबाद, कुछ काम था तो मरी भी गए हैं, वहाँ भी घूमे हैं, फिर हैं, इंजॉय की है, और वो जो सारा सीन था वो आपके साथ शेयर किया है। और फिर उसके बाद अगले दिन हम गए हैं फैसल मस्जिद, वहाँ का जो व्यू था वो भी आपके साथ शेयर की है। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। यहाँ हम किसके पास रहे? यहाँ हम रहे अपने कज़न के पास। मेरा कज़न है मेरी फूफो का बेटा, वो इधर जॉब करते हैं इस्लामाबाद में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मतलब दो रातें हमने उसके पास गुजारी हैं, बहुत गपशप की है, चिल की है, उसने हमें मतलब सारा इस्लामाबाद घुमाया है सारा। उसकी बाइक थी तो बाइक पे फुल मजे किए, एंजॉय किए। और ये समद खान ये मायूस है, घर कहता है नहीं जाते, पता नहीं थक क्या है या क्या। समद घर चलना या नहीं? घर चलना या नहीं? आपकी मर्जी है। अच्छा मतलब तुम्हारा दिल नहीं है घर जाने का? नहीं। कहता नहीं। अच्छा ये आया था यहाँ पर कमाने के लिए। अच्छा ये बताओ काम पर तुम्हारा दिल क्यों नहीं लगा, क्यों काम नहीं किया, क्यों घर वापस जा रहे हो? दिल नहीं कर रहा काम करने का। वाला है क्या करना है? मैंने कहा काम क्यों नहीं करते, अगर तुम्हारा दिल नहीं लगता तो फिर क्या करने आए थे? कैसा है बस ऐसे चश्मे उठाने आए थे। और चश्मा पूरा ठीक है? पूरा ठीक है। बाबा समझ की लाइफ में भी कोई है जिसके साथ ये सारा दिन मोबाइल में बिजी रहता है भाई? अच्छा अच्छा। तो अब हम जा रहे हैं वापस और अपना सामान उठाते हैं, पैक करते हैं, फिर चलते हैं अभी जाके खाना खाते हैं। खाने में बिरयानी खा लेते हैं। समद बिरयानी खाएं या कुछ और खाएं? बिरयानी। अच्छा बिरयानी खाएं। चलो समद खाने का बिरयानी खाएं, तो बिरयानी खाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर। टिकटे में ले आया था वो, मैं आपको दिखाता हूँ आगे बाद में। हम यहाँ पर पुलाव खाने के लिए आए बैठे हैं, फिर पुलाव खाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं अड्डे पे बस में जाके। यार तो जी हम अड्डे पर आ गए हैं और अब घर जाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ये वाली बस है जिसमें हम जाएंगे। तो हम इधर शॉप में आए हैं ये खाने पीने की कुछ चीजें लेने के लिए, ताकि रास्ते में खाएंगे बोर ना हो। रास्ते में मुझे नींद नहीं आती इतना, तो इसीलिए कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, चिल करते रहेंगे। एक कोल्ड ड्रिंक ली है, दो लेज के बड़े पैकेट लिए हैं, एक कुरकुरे लिए है, और क्या है, और एक फ्रेश अप है, और भी आना है वो क्या फ्रेश अप, हाँ, और अमरूद वाली टाफियां ली हैं बस, और कुछ नहीं लिया। और रिवाड़ी जो है वो हमारे पास है बड़ी ऑलरेडी बैग में, वो हमने पहले ली हुई थी। तो अभी गाड़ी तैयार है तो चलते हैं और वहीं पर बैठ के खाएंगे, चिल करेंगे। तो जो हमारा सामान था वो हमने गाड़ी के अंदर रख दिया है, और अभी एक मेरा बैग है इसको मैं अपने साथ रखूंगा, और ये जो कुछ सामान हमने खाने पीने का लिया है। तो अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हुए, सामने वाली गाड़ी जिसमें हमने जाना है कोटा, तो निश्चय है पूरी रात का सफर है, लेकिन सोना हमने बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, मेरी टिकट खराब हो जाती है। तो चलते हैं अपनी सीट में जाके बैठते हैं, 5-6 नंबर हमारी सीट है। आ जाए अभी भी जवान थे। चलो
सर जी ये कैसे बैग बैन होता है? ये कैसे बैग बैन होता है? बैग सर मेरा अपना ही पेन होता है। थोड़ा कह रहे 350 नहीं नहीं फिर तुसी अपना रखो ना ये जगह ही नहीं है। ये पहिए ये कैसे बैग है छोटा? ये अपना है अपना ये पे पीछे रख दे मां। नहीं नहीं ये बैग पड़ा था ये जो भाई है ना उनका इसको इधर आगे रख देते हैं। सारा निगाह कर रहा है साथ समद खान यहाँ पर मैं ये 5-6 नंबर हमारी सीट है। मैं आपको टिकट भी दिखा दूँ इसमें बस ये टिकट है 5-6 अभी गाड़ी चलेगी तो ना ठीक है जब सीन होगा वो रास में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो बस जी तो अभी रात से मैं स्टॉप लिया है ये MM रोड ज़िला बखर तो यहाँ 10-15 मिनट का स्टॉप है। कहते 10-15 मिनट का लेकिन आधा घंटा लग जाता है मैक्सिमम। तो कोई चल फिर रहा है टांग शांग सीधी कर रहा है कोई इधर चाय पी रहा है इधर रेस्टोरेंट में पीछे कोई कुछ कर रहा है। तो हमने तो अपनी चीज़ें ली हुई थी और बिल्कुल फुल हैं बस बाहर की ठंडी हवा खा रहे हैं। पहले तो मौसम ठीक था लेकिन अब सर्दी लग रही है तो लोग सारे जो हमारे साथ थे ना पैसेंजर सारे इधर उधर चल फिर गए हैं। लेकिन जिस समय कंटून हो गया कोई होश नहीं है इसे उठ गया नहीं नींद में घूम ये हमारी बस है पूरी। अजी लाइट बंद हो गए तो समद खान ही उठ गया है। तो जी हमारा स्टाफ आने वाला है और हमने तैयारी कर ली है ये कोटी छोटी पहन ली है सामान अपना उठाते हैं समझ घर जाने का दिल है समझ परेशान हो गया घर का नाम इसका दिल नहीं कर रहा घर जाने का ये बाहर ही खुश था ये जब घर जाएगा ना तो इसका अबू इसके लिए इसका अबू हार लेके खड़ा होगा इसके इस्तकबाल के लिए क्योंकि उम्र कर गया रहा है ना कमाने के लिए गया था 2 दिन बाद वापस आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से और आप सब दोस्तों की दुआओं से मैं खैरियत से घर पहुँच गया हूँ। आया हूँ इधर अम्मी ने अंडे उबाले हुए थे चाय बनाई हुई थी कि सर्दी में आ रहा है मेरा बेटा तो वो खाए हैं तो अब धूप भी निकल आई है बिल्कुल ओके हूँ सर्दी नहीं लग रही वैसे पहले भी नहीं लग रही थी और अब वैसे भी नहीं लग रही। तो अभी चलते हैं पहले पहले दादी जान के पास उनको मिलते हैं उनसे गपशप करते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं दादी जान के साथ मुलाकात नहीं हुई और ना ही उनसे गपशप हुई है। तो अभी चल के पहले पहले दादी जान को मिलते हैं और उनसे गपशप करते हैं। ये दादी जान आ गए हैं बैठे हैं उनसे गपशप करते हैं। क्या हाल है माओ? ठीक है माँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर ठीक ही है माशाल्लाह तबीयत से ठीक है माँ हमें इस्लामाबाद गया अम्मी मरे गई अम्मी में टूरन फिरा माशाल्लाह जी अम्मा थोड़ी तबीयत सही गाना है तो सुन दिल मगिया ना उन्हें सुते पावे मैं उन्हें थोको मेल के नहीं गया वाल अगली फेरी गर्मी के जो था थोको इस्लामाबाद भी मरे भी पक्का वादा तो सर ठीक थी आओ फिर ये थोको अगले चक्कर दे थोको इस्लामाबाद घुमा सा यात्री होगी अल्लाह ना गलावी भरे बच्चे आमीन आमीन सर्दी की है जो मौसम की है ये कितना इस्लामाबाद
हमें फुल सर्दी है, डाढ़ी जोर दी सर्दी है। हाँ, मजा फुल है, सर्दी फुल है। अच्छा मैं थोड़ी तबीयत जो खराब है, दवाई से भी थी कहा ना दवाई के। अच्छा ठीक है, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आया हूँ तो मुझे मम्मी ने बताया और चाची ने भी के दादी अमाना वो बैठ नहीं सकती। तो पहले मैंने सोचा हुआ था कि दादी जान के लिए ना जो व्हील चेयर है वो लेता हूँ, लेकिन फिलहाल वो जरूर नहीं, फिलहाल दादी जान के लिए वो जरूरी है। तो फिलहाल दादी जान के लिए पॉट लेते हैं, पॉट बहुत जरूरी है क्योंकि दादी जान बैठ नहीं सकती, अगर बैठ भी जाए तो फिर उठ नहीं सकती, चाहे दो बंदे भी उठाएं, तो फिर दादी जान को पॉट लेकर देते हैं। अम्मा पहले तो व्हील चेयर खेलने अम्मा या जरा पॉट होना बहाना लो खेलने अम्मा, पहले पार्ट खेलने वहाँ। चलो मैं इंशाल्लाह कल परसों धोने वाले पार्ट खेलने। ठीक है ठीक है, वादा पक्का पक्का वादा अम्मा। तो दाई ना ना कूड़ गया नहीं। चल ठीक है ठीक है। तो दाई जान को मैंने कहा कि आपको पहले व्हील चेयर लेके दूं या जो पार्ट होता है वो लेके दूं, दाई जान ने कहा पहले पार्ट लेके दो, व्हील चेयर फिर कभी बाद में। तो मैंने सोचा हुआ था व्हील चेयर का, लेकिन अब पार्ट ज्यादा जरूरी है उसे, तो वो लेके देता हूँ इंशाल्लाह, एक दो दिन तक मैं दाई जान को वो लेकर दूंगा पार्ट। मैं होने आया तकरीबन में घंटा डेढ़ थी उसी जैसे घर आया था अम्मी उन्हें चाह भी पिलाई है, अंडे भी खवाए। चंगा तो मैं चलता हूँ अभी जाके फिर सोता हूँ, क्योंकि पूरी रात मैं नहीं सोया और सफर में मुझे नींद नहीं आती। आमीन आमीन। ठीक है, तुसा वाल सुमो रेस्ट करो, माई मैं सुनता वाल वाल इंशाल्लाह शामी गप छप ले। ठीक है दोस्तों, मैं फिर चलता हूँ जाके सोता हूँ। तो जी मैं दादी जान को मिल के आ गया हूँ वापस, माशाल्लाह मेरी दादी जान बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं मुझसे मिल के, और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि काफी दिनों से मैं दादी जान को नहीं मिला था, उनको बहुत मिस कर रहा था। तो अभी मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो अभी मैं सो जाता हूँ, और आज को जो हमारा व्लॉग है इसका फिर एंड यहीं पर कर देते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।